नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं रत्नेश पांडे। गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे ही तालाब और नदियों के पानी सूखते हुए नजर आ रहे हैं और पानियों में से जो जानवर हैं वो बाहर निकल करके रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। ऐसा ही मामला एक हरिद्वार से आया है, जहां पे एक नदी के पानी सूखने की वजह से और गर्मी का तापमान बढ़ने की वजह से एक मगरमच्छ जो है वो रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है, जिसको रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से मगरमच्छ को रेस्क्यू किया जा रहा है। मामला जो है वो हरिद्वार का है, पूरी घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल जैसे ही गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे ही नदी और तालाबों का पानी जो है वो सूख रहा है। इससे खतरनाक जानवर अब रिहायशी इलाकों में रुख करने लगे हैं। सोमवार को बहादराबाग ब्लॉक के ग्राम दादूपुर गोविंद में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके में पहुंच गया। ग्रामीणों की सूचना के कुछ देर बाद वन विभाग की टीम पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद मगरमच्छ पर काबू पाया गया और उसे अपने साथ ले जाया गया। बता दें कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे ग्रामीण क्षेत्रों के तालाब सूखने के कारण विशेष तौर पर इन नदियों और तालाबों में रहने वाले मगरमच्छ पानी की तलाश में आसपास के इलाकों में निकल रहे हैं। सोमवार को हरिद्वार के बहादराबाद ब्लॉक के ग्राम दादूपुर गोविंद के रहने वाले एक व्यक्ति के घर के बाहर विशालकाय मगरमच्छ जा दमका। घर के बाहर मगरमच्छ को देखने के लिए न सिर्फ परिवार वाले बल्कि आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। परिजनों द्वारा तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस एवं वन विभाग को दी गई। सूचना के काफी देर बाद पहुंची प्रभात की रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद आखिरकार मगरमच्छ को काबू पा लिया। रेंज अधिकारी दिनेश नौटियाला ने बताया कि मगरमच्छ पानी की तलाश में रिहायशी इलाके में आ गया है, जिसे अब रेस्क्यू कर लिया गया है। मौके पर मगरमच्छ को पकड़ने के बाद अब उसे दोबारा गंगा में छोड़ दिया गया है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से मगरमच्छ जो है वो रिहायशी इलाकों में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि प्रचंड गर्मी के कारण इस प्रकार की ये घटनाएं हो रही हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।